ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई और सेवा। बाबा कहे, बच्चे तुम इसी नशे में रहो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, जहां हर घड़ी प्यार से पढ़ाई करनी होती है। दूसरी ओर बाबा के सेवा में तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर, और इसीलिए तुम्हें सबको पैगाम जरूर देना है, अर्थात सबका कल्याण करना है। जिसके भी कल्याण के निमित्त बनते हो, वो आत्मा स्वाभाविक रीति से यही देखती है कि ये हमारा कल्याण करने के निमित्त हमारी अलौकिक माँ है। तो बाबा कहे, जब आप इस नशे में रहेंगे कि हम अनेकों का कल्याण करने वाले हैं, तब बाबा कहे स्वतः सेवा होती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं, बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप है, दो बाप का परिचय जरूर सबको देना है। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है, बाबा को कहते एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच थे, बाबा कहे जो ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। वृक्ष के अंदर देखा जाए, जो ऊंचते ऊंच देवी देवता थे वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है, वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग और यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र है, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है। क्या गायन है? तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती है,
यह है ज्ञान की बात। बूंद होती है ज्ञान की, इसीलिए तो शिवलिंग के ऊपर भी बूंद बूंद गिरती है। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहां से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, विश्व के मालिक बने के चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा के नोंद के हिसाब से ही बाबा कहे सब चलता है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, बाबा कहे ये भी ड्रामा की नोंद है। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी, बाबा कहे क्यों नहीं माया जबरदस्त होगी। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहां भी कोई बच्चे समझदार है और कोई बेसमझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहा है। दुनिया में ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहा है। कहेंगे ये क्या कहते हो। अगर किसी ने ऐसा बोल भी दिया तो कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, बाबा कहे अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। ब्राह्मणी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं-भूं करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सके,
वह थोड़ी आप समान बनाएंगे। हम बाबा कहे वो तो किसी को अपने समान भी नहीं बनाते, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्य नारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी है, एक ही सत्य बाप सुनाते हैं। बाबा का एक ही बाप है, सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहां वह हद की बातें, कहां ये बेहद की बातें, तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं, क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर से हप कर देगा। बाबा कहे जो समुद्र को सुखा करके अब समुद्र की हद हमने ली है तो समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर में सब हप कर लेगा। न ये बंबई थी न रहेगी, अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे, अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, किस बात की खुशी होनी चाहिए, हम इतने शाहूकार बनते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान किसको पढ़ाते हैं, क्या तुम बच्चे जानते हो हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, यहां हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़ी होगा। हम बाबा कहे ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतकार बनते हो, खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे, कोई भूख नहीं मर सकते। यहां फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो 1,000 रुपये निकल जाते हैं। बाबा कहे जब कोई फकीरों के पास भी जांच करते हैं तो 1,000 रुपये निकल आते हैं, भूख कोई मर न सके। यहां भी तुम बाप के बने हो, भल बाप गरीब होते हैं परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे वारिस है, उन पर लव रहता है। वहां तो गरीब की बात ही नहीं, स्वर्ग में तो गरीब की बात ही नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की शाहूकारी रहती है। वहां की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो, रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार किस पर है, सारा मदार पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे,
बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूं, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। बाबा कहे जब किसी का कल्याण करते हो तो वह तुमको प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। बाबा कहे 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहां ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथों में होगा। बाबा को ऐसा कोई गीत याद आया, ये सारा धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथों में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि है। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं, अब ये सब खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहां से आएगा? स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हो। ऐसे नहीं, हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे, मैं बहुत पाप आत्मा हूं। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके, यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्म के चक्र में आते हो। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, वह हेल्थ के लिए है, वह वेल्थ के लिए है। हॉस्पिटल हेल्थ के लिए है, यूनिवर्सिटी वेल्थ के लिए है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस,
21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही। कौन? बाबा कहे, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं, बाबा खुद भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। बाबा क्या कहते, ये होता है। मैं लिखता हूं, मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है, तूफान ले आना ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। शिव बाबा योगेश्वर ने ब्रह्मा बाबा को योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वर भी तुम ही बनते हो। तो योगेश्वर योगेश्वरी, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी, वही जाकर राज राजेश्वर बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो, अहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरी पॉइंट, आप समान बनाने के लिए ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो, खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है, उन्हें शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। बाबा कहे, आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो।
ब्रह्मा बाप से प्यार है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति।